क्योंकि वो लेडीज बीच में बहुत ज्यादा आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, लेकिन आ सारी खूबसूरत नहीं है। उसके बाद कहता है कि यार मेरी तो सारी नमाज तबाह कर रही है। बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत हौज है लेकिन इसके अंदर पानी पूनी कोई नहीं है, और बैक साइड पे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। Assalamualaikum, welcome to another vlog, me Mohammed Waqas and you're watching Lead Khokar YouTube channel. तो आज हम हाजिर हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और यहाँ से हम अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। यहाँ पर हम पहुंचे हैं जोहर के टाइम, यहाँ पर जैसी अजान होगी मस्जिद ओपन होगी तो हम यहाँ पर प्रॉपरली जोहर की नमाज अदा करेंगे। यहाँ का वजू खाना, यहाँ की लाइब्रेरी और इसके अलावा मस्जिद का अंदर का और बाहर का खूबसूरत मंजर आपको दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हम जाएंगे सीधा सेवर पर और वहाँ पे जाके करेंगे लंच। सेवर फूड इस्लामाबाद का वन ऑफ द फेमस ब्रांड है बिरयानी के हवाले से। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जैसे ही आप फैसल मस्जिद वाले रोड पर आएंगे तो आपको सड़क के किनारे इंतहाई खूबसूरत एक छोटा सा चिड़ियाघर नजर आएगा जिसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। जोहर का वक्त करीब था और आज हमारा यही प्लान था कि हम जोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करेंगे। जैसे ही हम फैसल मस्जिद पहुंचे तो मुझे अंदाजा हो गया कि आज बहुत ज्यादा क्राउड है क्योंकि संडे है और बेतहाशा ट्रिप्स आए हुए थे। फैसल मस्जिद में जाने से पहले हम लोग जनरल जियाउल हक की कब्र पे गए और वहां जाके फातिहा पढ़ी, और ये देखकर इंतहाई दुख हुआ कि खस्ता हालत में हमारे मुल्क का परचम लहरा रहा था। शायद हमारे मुल्क की हालत भी इस परचम जैसी हो चुकी। जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे शू लॉकर मिलेगा जिसके चार्जेस हैं 10 रुपए। ये आपसे ज्यादा मांगते हैं लेकिन ऊपर लिखा हुआ है तो आप इनसे यहाँ पर बारगेन करें। बाहर हमने गाड़ी पार्क की है, डबल डबल पार्किंग है तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप आएं और अपने जूते पार्क करें यहाँ पे। ये फाउंटेन आपको इंशाल्लाह ताला बंद ही मिलेगा। चलें अब चलते हैं मस्जिद के अंदर वाले हिस्से की तरफ। ये जो मार्बल है ये सारा ठंडा है और ये मार्बल जो है ये गर्म है। ये तो फर्श है लेकिन जो ये मार्बल है ये आप मक्का मदीना को गया हो तो उसका एक्सपीरियंस होगा कि ये ठंडा मार्बल लगा। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में आएंगे तो आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पर लाइब्रेरीज नजर आएंगी। यहाँ से आपको डिस्काउंट प्राइसेस पे इस्लामिक बुक्स मिल जाएंगी। अब चलते हैं वजू खाना की तरफ। इसके लिए हम लोग आए हैं वजू खाना के अंदर, और अगर आप देखें ऐसे पूरा थ्रू आउट ऐसे गोलाई के अंदर आपको सारा वजू खाना मिलेगा। आज संडे है, बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए मेरी कोशिश है कि यार मैं कम से कम व्लॉग बनाऊं क्योंकि वो लेडीज बीच में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, लेकिन आ सारी खूबसूरत नहीं है। तो आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं। हम रमजान में आए थे तो अच्छा। नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहे थे, हमारे साथ एक पठान भाई भी बैठे हुए थे, लेजेंड थे, 50 साल उम्र थी। अच्छा, वो नमाज पढ़ रहे थे तो एक औरत जो है खातून गुजर रही थी, उसने जो कपड़े बहुत ज्यादा टाइट किस्म के पहने हुए, ठीक है, तो वो कहीं उसकी नजर पड़ी, वो उसको 5-10 सेकंड देखता रहा और उसके बाद कहता है कि यार मेरी तो सारी नमाज तबाह कर रही है। तो यार यहाँ पर ना अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो काइंडली की रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ना यार पर्दा करके फैमिली लाएं, लेडीज को लाएं मस्जिद के अंदर खास तौर पर। ये रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि फैशन की जगह नहीं है, कोई ये उस तरह की जगह नहीं है कि आप लोगों की नीयतें और ईमान खराब कर लें। वजू खाना से मस्जिद में जाने के लिए ये कॉरिडोर है और मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे औरतों और खवातीन का इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी नमाज का बस टाइम होने वाला है, थोड़ी देर तक अजान होगी, उसके बाद फिर इसका जो मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है वो ओपन हो जाएगा। और अभी मालूम नहीं लोगों को तो माशाल्लाह नफल वगैरह पढ़ रहे हैं और मस्जिद खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये माशाल्लाह सुबारा वगैरह पढ़ने के लिए जफर भाई ये वो बॉक्स बनाया हुआ उन्होंने। मेंटेनेंस के हवाले से मीनार के अंदर जाने का ये रास्ता है। सामने आप देख रहे हैं आपके बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत हौज है लेकिन इसके अंदर पानी पूनी कोई नहीं है, और बैक साइड पे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं।
मस्जिद के मशरकी हिस्से में नहायत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रॉपरली बेंचेस बने हुए हैं और इसके सामने है खूबसूरत हौज। बहुत अरसे तक PTV पे अजान के वक्त ये मस्जिद दिखाई जाती थी, वो थे हमारे बचपन के दिन। माशाल्लाह अभी मस्जिद खुली है, अजान हुई है, नमाज का टाइम सवा एक बजे का। मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ, ज़्यादा ना करूँ, क्योंकि वैसे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यहाँ पर मना है। तो इतना पुरसकून माहौल है, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। ये है इसका मिंबर शरीफ, लेकिन ये साइड पर है, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। अगर किसी को मालूम हो तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। इंतहाई नफीस और खूबसूरत गोल्ड प्लेटेड फानूस, जिसको देखकर बंदा देखता ही रह जाए। जमात जोहर की नमाज अदा की और चल पड़े मस्जिद के बिरौनी हिस्से की तरफ। इशाक्तर कदूस है ये, माशाल्लाह कच्चा खुद से बिलोंग करते हैं और हमारे इस्लामाबाद ऑफिस के स्टोर इंचार्ज हैं। और जफर भाई इस टाइम हमारे कैमरामैन के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले जफर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जफर भाई ने इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम दिया, मेरे साथ स्पेशल पिशावर गए, अपनी फैमिली से पता नहीं कैसे इन्होंने छुट्टी ली होगी। जफर भाई अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। हालांकि आज मेहमान हो यार, आज संडे का दिन था और इनका एक बहुत बड़ा फैमिली शेड्यूल था, लेकिन उसमें से भी उन्होंने स्पेशल टाइम दिया। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलेंगे यहाँ से सीधा सेवर फूड। सेवर फूड ब्लू एरिया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और भाई मुझे सेवर फूड का एड्रेस बता गए। थैंक यू। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही थी तो लिहाजा मैंने प्लान किया कि सेवर फूड को अलहदा से रिकॉर्ड किया जाए। तो लिहाजा ये व्लॉग यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, ये व्लॉग है टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं बहुत जल्द व्लॉग के दूसरे हिस्से में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।